हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मिल लीजिए हमारे लाडों से। और ये सुबह सुबह का टाइम है, करीब बज रहे होंगे 10, और ये 10 बजे ही उठती है। और आज है इसका बर्थडे, यानी कि 3 फरवरी है और 4th मंथ की हो चुकी है, यानी कि 4th मंथ बर्थडे है, तो हम सेलिब्रेट करेंगे। और जब कैमरा चालू होता है तो कैमरे को ऐसा देखती है, तो चलिए। और हमने सोचा कि हम घर में ही मनाएंगे, बाहर से इस बार नहीं लाएंगे। और ये हम बिस्किट लाए थे और बिस्किट को अब हम चॉपर में डाल के चॉप कर रहे हैं, मतलब एकदम बारीक कर रहे हैं आटे की तरह। ये बाबू कर रहा है, इससे नहीं हुआ, फिर मैं आ जाती हूँ, मैं करती हूँ उसको चॉप बारीक से। और इसको प्रीम जो केक का जो स्पंज बनता है वो हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे तो बाहर से भी आता है, बट हम बाहर से नहीं लाए, हमने बिस्किट से ही बनाया है। ये देखो हमारा रेडी हो चुका है, प्रीमिक्स की तरह ही कह सकते हैं। तो ये हमारी बाकी की डेकोरेशन की सामग्री। और मैं आ चुकी हूँ अब किचन में, इसको मैं मिल्क, ठंडा मिल्क डाल के इसको मैं तैयार करूँगी, इसका बैटर, केक का बैटर। और ये मैं इसमें मिक्स कर ले रही हूँ, और फिर मैं इसमें डालूंगी जो फ्लेवर का जो एसेंस होता है, वो मैं चॉकलेट फ्लेवर का एसेंस ही डालूंगी। ये मैं इसमें 1 या 2 बूंद फ्लेवर के लिए डाल लूंगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी इनो, पूरा ही पैकेट में इसको डाल लूंगी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी चम्मच से भी, और जो मिक्स करने वाला आता है उससे भी मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ा दिया है प्री हीट होने के लिए, क्योंकि हमारे पास ओवन तो है नहीं, हम इसमें ही केक का स्पंज तैयार करेंगे, तो वो प्री हीट हो रहा है। तब तक मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, ताकि इसमें लंग्स वगैरह ना रह जाए। मैं मिक्स मैंने कर दिया है, उस बर्तन को मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था, क्योंकि वहाँ पर बटर पेपर भी नहीं था, तो मैंने इसमें मतलब रिफाइंड ऑयल डाल के पेपर पे रिफाइंड ऑयल लगा के ही ये इसमें डाला है। और मैं इस पर डैप डैप कर ले रही हूँ, ताकि मैंने बताया था लंग्स ना पड़े, और हमारा केक अच्छे से स्पंज अच्छे से बन जाए। और ये डैप डैप में कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको जो मैंने प्री हीट करने के लिए रखा था पतीला, उसमें मैं रख दूँगी करीबन 20 से 30 मिनट के लिए, और इसको मैं ढक दूँगी। और अब मैं इसको छोड़ दूँगी कुछ मिनट के लिए, और फिर उसके बाद कुछ मिनट बाद हम ओपन करके देखते हैं। देखिए हमारा स्पंज अच्छे से रेडी हो जाता है। ये मैंने इसमें नाइफ ब्ला करके देखा था, फिर उसके बाद मैंने माचिस की तिल्ली भी करी थी, ओके है सारा कुछ। तो केक हमारा स्पंज मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस टाइम पे जले लिया हुआ था, मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो हम और केक भी रेडी हमने इस तरीके से किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा तो बताना कमेंट में जरूर। तो यहाँ पे हमने 4th मंथ लिखा है, कागज़ से लिखा है, और हमारे पास क्रीम भी नहीं थी। मैंने क्रीम काफ़ी बार ट्राई किया बनाने के लिए, बट मेरे से ख़राब जाती है, बट कोई नहीं, आगे ट्राई करेंगे, कभी ना कभी तो अच्छी बनेगी। तो हमारा केक को मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन का तो टाइम में कैमरा नहीं ऑन कर पाई, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था और रात भी हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं। हमने माता जी का सेवन तो करा, मतलब सेवन करते टाइम एक गलती हो गई, हमने टीवी नहीं बंद करी और वो गाना बज ही जा रहा था कंटिन्यू। और चले कोई नहीं, सेवन हमने करा, और बहुत सारी ब्लेसिंग हमारे बेबी को देना आप, और अस्वस्थ रहे, और इसकी लॉन्ग लाइफ हो और अच्छी लाइफ हो, जो चाहे लाइफ में वो कर पाए और बन पाए, ऐसा आशीर्वाद देना बच्ची को। और यहाँ पे सब केक कट हो चुका है, और यहाँ पे अब गिफ्ट भी रेडी है, जो कि हमारे साइड से था, और गिफ्ट भैया दे रहा है इसका, और अभी आपको ये ओपन करके बताएगी, दिखाएगी क्या गिफ्ट में इसको मिला है।
और चलिए देखिए अब। आप लोगों ने देखा होगा तो बाबू को जो मिला है गिफ्ट में बेडिंग सेट है, इसको बैठ के बहुत अच्छा लगा था, हटने का नाम नहीं ले रही थी, तो मैं फिर भी मैंने इसको गोदी में ले लिया वीडियो एंड करने के लिए। और इसको लगा था हम लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं, मतलब सेल्फी से वीडियो बना रहे, बट मैं इसकी वीडियो बना रही थी, हमें चिढ़ा रहा था। तो आज का वीडियो यहीं तक, अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब और हमारी लाडो को बहुत सारी ब्लेसिंग देख के जाइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।